कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर जिला अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। रन फॉर यूनिटी के तहत मैराथन का भी हुआ आयोजन। पोलियो माफिया बड़ी मात्रा में फैला रहे प्रदूषण, गुड़ बनाने में प्लास्टिक और कागज का कर रहे प्रयोग। सीतापुर में बड़ा हादसा, पुलिस जीप से टकराया वाहन, कई लोग हुए घायल। बुलंदशहर में बेखौफ बदमाशों ने लूट के बाद चौकीदार की निर्मम हत्या की, पुलिस हत्यारों की जांच में जुटी। व्यापारी महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन प्रसाद, व्यापारियों को किया संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौह पुरुष के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज गुजरात के केवड़िया में पहुंचे, जहां उन्होंने एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। साथ ही पीएम ने सरकारी योजनाओं की बात करते हुए कहा कि एकता संदेश देते हुए योजनाएं देश के कोने कोने में पहुंच रही है। वहीं पीएम मोदी लौह पुरुष की जयंती पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। यहां उन्होंने भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और जल चढ़ाकर उनको नमन किया। लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 147वीं जयंती है। आपको बता दें मोदी सरकार उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है। वहीं सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इसी क्रम में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मौजूदगी में दो कार्यक्रम दर्ज कराए, जहां मुख्यमंत्री योगी ने पहले अपने सरकारी आवास से रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। वहीं इसके बाद लखनऊ के जीपीओ पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण पूरा देश कर रहा है, उनकी स्मृतियों में आयोजन हो रहे हैं, उनके योगदान को पूरा देश कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए उनके प्रति नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सपना देखा था, उनके इस सपने को ही भारत बनाने के लिए आज आप देख रहे होंगे कि गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन उनके नेतृत्व में लग चुकी है। आज वो अपने आप में एक तीर्थ स्थल बन चुका है। आज देश के अंदर आजादी के बाद भले ही कुछ लोगों ने, कुछ सरकारों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को विस्मरण करने का प्रयास किया हो, लेकिन हम सब आभारी हैं कि वर्तमान भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल को वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, पिछले 8-8.5 वर्षों के अंदर पूरा देश उसे देख रहा है। सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां पुलिस जीप और एक अज्ञात वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में पुलिस जीप में सवार एसआई समेत 3 कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उपनिरीक्षक को मृत घोषित कर दिया। साथ ही अन्य घायलों का इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और सीओ मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू कर दी। साथ ही इस पूरे मामले की जांच के लिए मुख्यालय में आईजी लक्ष्मी सिंह भी मौके पर पहुंची हैं।
खबर औरैया से है, जहां सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव के साथ अन्य आला अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही जनपद के कई हिस्सों में रन फॉर यूनिटी के तहत मैराथन का भी आयोजन किया गया। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पहली बार 2014 में मनाया गया था। खबर संभल से है, जहां कोल्हू माफियाओं के खिलाफ किसानों ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि कोल्हू माफियाओं के द्वारा बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुड़ बनाने को लेकर कोल्हू माफिया प्लास्टिक और कपड़े जलाकर गांव का वातावरण खराब करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही किसानों को गन्नों की खरीद पर उचित लागत न देने की भी शिकायत की गई है। संभल में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम थाना गुन्नौर से शुरू होकर बबराल पर खत्म हुआ। आपको बता दें कि इस आयोजन को क्षेत्राधिकारी गुन्नौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस आयोजन में शामिल सभी थाना प्रभारी अधिकारियों समेत सभी लोगों को धन्यवाद किया। पूरे देश में महापर्व छठ की बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती महिलाएं एवं श्रद्धालु जलाशय एवं नदियों के किनारे स्थित छठ घाटों पर सूर्योदय के काफी पहले पहुंच चुके। बता दें, संध्या अर्घ देने के बाद महिलाओं ने भोर में भगवान सूर्य की पूजा करते हुए अर्घ दिया और व्रती महिलाओं ने अर्घ देते हुए अपने घर परिवार के साथ अपने अमर सुहाग का आशीर्वाद मांगा। इसके साथ ही महिलाओं ने वहां पर मौजूद अन्य महिलाओं को सुहाग भी दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर अंबेडकर नगर से दिखाई जा रही है, दूसरी तस्वीर चंदौली से है और तीसरी तस्वीर अयोध्या से दिखाई जा रही है। वहीं चौथी तस्वीर बुलंदशहर से, जहां सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देने का महिलाओं ने काम किया था। व्रती महिलाओं का आज चौथा दिन था छठ पर्व का, जिसका आज समापन हुआ है। अलग अलग शहरों से आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, गाजियाबाद से, अयोध्या से, बुलंदशहर से, जहाँ पर अमर सुहाग रहने का व्रती महिलाओं ने आशीर्वाद दिया और दूसरी महिलाओं को उन्होंने अमर सुहाग रहने का आशीर्वाद भी दिया। रायबरेली है, गोंडा है, हरदोई से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ आज महापर्व छठ का चौथा दिन था, आखिरी दिन था। महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर आज व्रत की समाप्ति की है। बता दें, महिलाएँ आज के दिन 36 घंटे का निर्जला व्रत को तोड़ा है। महिलाओं ने अलग अलग घाटों पर जाकर भगवान सूर्य के उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर आज महिलाओं ने व्रत की समाप्ति की। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, प्रयागराज से, सुल्तानपुर से तस्वीर है, रायबरेली से, गोंडा से और हरदोई से। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां चौकीदार के लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने चौकीदार के निर्मम तरीके से हत्या कर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पाते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वो जाता हुआ देखा, उससे भी राम राम करी तो चला गया है। सो फिर मैं हाथ मुँह धोकर फिर मैं गया, मैं ताऊ उठना रे, हमने देखा ताऊ उठे नहीं। हमने भीतर को जा कर देखा तो इनके हाथ पैर बंद थे। ये इलाहाबाद बातरी गांव है, यहाँ पर एक भट्टा है, भट्टे पर अमित नामक व्यक्ति है, उनका भट्टा है। यहाँ पर एक हेमराज नामक व्यक्ति जो चौकीदारी करते थे, उनकी रात में हत्या कर दी गई है और यहाँ से एक ट्रैक्टर भी गायब है। उसके संबंध में हमारी टीम लगी हुई है, डॉग स्क्वाड भी आया हुआ, फील्ड भी आई हुई है और रिसोरी वाले भी यहाँ पर हैं, थाने वाले भी सारे लोग हैं। इसकी छानबीन की जा रही है, अभी तो प्रथम दृष्टया कुछ गलत बात प्रकाश नहीं है। सर, टोटल कितनी टीमें लगी गई हैं? हमारी एसओजी टीम है, लिमिट है हमारी, और थाने टीम है, थाना सहना के लोग भी इसमें लगे हुए हैं। तो सारी टीमें लगी हुई हैं और इसमें प्रयास किया जाए जल्दी सब। प्रथम दृष्टया क्या मामला लग रहा है सर? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, छानबीन इसकी चल रही है।
खबर फरुखाबाद से, जहां व्यापारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारियों की राजनीति में सक्रिय बढ़ाने को लेकर आगामी निकाय चुनाव में व्यापारियों को चुनाव हिस्सा लेने की अपील की। इसके साथ ही कार्यक्रम संयोजक मोहन अग्रवाल ने नगर पालिका भ्रष्टाचार की जाँच सीएम से कराने की मांग की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग सभा मौजूद रहे। जो निर्माण शुरू हुआ वहां पर 8-9 इंच की केबल नालियां बनाई जा रही है, वो भी सेम ईंट की और बालू की जुड़ाई की। सड़कों के बीच में डिवाइडर आना चाहिए इतने चौड़ीकरण के बाद, उसी स्थान पर जैसे खंभे लगे हुए हैं उसी बीचों बीच में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष अपनी सीमेंट की भी फैक्ट्री की ईंटें लगवा रहे हैं। फिर विकास के नाम पर जो हमारे यहाँ के सभी व्यापारी बैठे हुए हैं सब एक स्वर से बताएंगे क्या ये लोगों के साथ अनैतिकता हुई है। खबर संभल से, जहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद की ओर से आयोजित सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर इकबाल हैदर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अल्पसंख्यकों की मदद करना परिषद का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि वर्तमान की भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाले अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उज्जवल भविष्य की बधाई भी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के लिए भाजपा सरकार से हर स्तर बातचीत करने के लिए वह प्रयासरत हैं। मैं अभी संभल में जब इधर आया तो शुरू से जहां से संभल शुरू हुआ तो मैं देख रहा हूं इसकी तो कोई तरक्की हमें नजर नहीं आ रही है। वही पतली पतली गलियां, वही टूटे मकान, वही मकानों पे वैसा ही पर्दे पड़े हुए, कोई ऐसा प्रॉस्पेरिटी ऐसी समृद्धि कोई भी हमें दिखाई नहीं दी। क्या वजह है, क्यों नहीं हुआ? यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान है, मैं पहले भी रहे हैं, तो इन लोगों ने अभी तक 5 साल होने जा रहे हैं, आपके लिए क्या किया? बुलंदशहर के पहासू नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक सुबह से ही सफाई कर्मचारियों ने नगर पंचायत की साफ सफाई बंद कर हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें कि पहासू नगर में फैली गंदगी को हटाने के लिए सफाई कर्मचारियों को ठेका दिया जाता है। इसी के विरोध में सफाई कर्मचारी ने ईओ और नगर पंचायत चेयरमैन पहासू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सर, हमारी हड़ताल इसलिए है सर कि हमें कोई हमारी कोई मांग नहीं मिली सर, कोई हमारा जो वर्दी है गर्म वर्दी ठंडी वर्दी सब और तुम्हारे बरसात के टाइम की जो वर्दी है वो कुछ नहीं मिली सर हमें। हमारी मांग हमें कुछ कोई चीज़ नहीं मिली सर। हमारा जो वेतन है वो भी काट के दिया जाता है, हमारे PF है, IAS है और सब बहुत सारी हमें चीज़ कोई भी चीज़ हमें नहीं मिली सर। और हम बोलते हैं तो ये साहब बोलते हैं कि जाइए जाइए रोज क्या ये काम काम लगाते रहते हो सर। इस तरह से ये साहब हमसे उंगली उठा उठा बात करते हैं और हमें धमकाते हैं, जाइए आइए आपका सब काम हो जाएगा, चलिए जाइए रोज काम काम करते रहते हो। हड़ताल कब तक रहेगी सर? अब तो हमारी हड़ताल जब तक रही तो हमारी मांग पूरी नहीं होगी। सफाई बंद रहेगी? जी सर बिल्कुल सफाई बंद रहेगी और चाहे तो और भी कुछ काम आने के लिए हो सकता है सर। भूख हड़ताल भी होगी, पुतले ही भूखे जाएंगे सर, सब कार्य होगा लेकिन काम नहीं होगा, काम बंद हड़ताल है साहब। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।